हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वज्र द पावर और मैं श्री हरि। तो आज एक फोर्ट के ऊपर हम आए हैं और ये बहुत ही नामांकित फोर्ट है। ये जो मराठा साम्राज्य है इसमें ये सबसे बड़ा ये फोर्ट है। इस यहाँ पे कई सारे यहाँ पे लड़ाई हो चुके हैं और ये फोर्ट है सिंहगढ़। हाँ बिल्कुल, सिंहगढ़। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंहगढ़ एक्चुअली क्या है, किस प्रकार से इसका फोर्टिफिकेशन है, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पे इस फोर्ट में हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए हमारा ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस किले के बारे में उपलब्ध कुछ जानकारियों से पता चलता है कि इस किले को 2000 साल पहले बनाया गया होगा। इसका प्रमाण कोंडेनेश्वर मंदिर और कुछ गुफाएं और उनके अंदर की नक्शीकलाएं है। पहले कोंडाना के नाम से जाने जाने वाला किला कई लड़ाइयों का स्थल रहा है, विशेष रूप से 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई। सह्याद्री पर्वत में भुलेश्वर श्रेणी की एक अलग चट्टान पर स्थित किला जमीन से लगभग 760 मीटर और समुद्र तल से 1312 मीटर ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। सिंहगढ़ इतना प्रचलित है कि यहाँ पे दुनिया भर से लोग यहाँ पे पर्यटन के लिए आते हैं। हाँ, और कई लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। अगर सिंहगढ़ गांव से आप निकलते हो तो शीर्ष तक जाने के लिए आपको लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। यहां पर आके आपके खाने पीने की यहां पे सुविधा है। आप अगर टिफिन भी नहीं लेके आए तो भी यहां पे खाना अच्छा यहां पे मिल जाएगा आपको। आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो होटल्स हैं छोटे छोटे, यहाँ पर यही के जो देसी लोग हैं आपको यहाँ पर खाना उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर झुनका भाकर और ताक, इसे मराठी में कहा जाए मतलब छाछ और रोटी और बेसन, यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने किले पर पुनः अधिकार कर लिया। सरदार बलकौड़े के नेतृत्व में मराठों ने इसे 1 जुलाई 1693 में पुनः कब्जा कर लिया। इसी प्रकार से सिंहगढ़ किला पुनः एक बार स्वराज्यों में शामिल हो चुका था। सिंहगढ़ शेर का किला बहुत ही खड़ी ढलान के कारण प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से बनाया गया था। अभी हम फिलहाल पुणे दरवाजा यहाँ पे आ चुके हैं। किले के ऊपर आने के लिए दो दरवाजे हैं, एक है कल्याण दरवाजा और यह है पुणे दरवाजा। यहाँ से हम एंटर करेंगे। पुणे दरवाजा पहला, यह दो बुरुज और उसके बीच में ये दरवाज़ा। दरवाज़ा छोटा है, उसके भी कुछ कारण है। जब दुश्मन यहाँ से एंटर करे तो सिर्फ आने के लिए एक या दो ही व्यक्ति एक समय पर जा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इस जो दरवाज़े का निर्माण है बहुत समझदारी से और रणनीतिक रूप से बनाया गया है। यह अभी नया दरवाज़ा यहाँ पर बिठाया गया है। आप देख सकते हो दरवाजे के ऊपर कुछ कलाएं यहाँ पे दिख सकती हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये दरवाज़ा बिठाया है। ठीक दरवाजे के ऊपर यहाँ पे सैन्य के लिए, निगरानी के लिए यह जगह रखी गई है। अगर दुश्मन यहाँ पे हमला करता था या वो जितने भी हमले कर चुके हैं, पुणे दरवाज़ा भेदना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसको नैसर्गिक रूप से यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की गई है। आप देख सकते हो दरवाजे के नीचे कोई आए तो ऊपर से अटैक कर सकते हैं। सामने आपको जो है पुणे दरवाज़ा दूसरा यहाँ से दिख सकता है। जो सामने जो पॉइंट है वहाँ पे एक बहुत बड़ी कैनन तोफ थी। पुणे दरवाजे के ऊपर का यह दृश्य अभी हम यहाँ पे मैप के सामने है जो सिंहगढ़ में स्थित है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी कि आपको किस दिशा में जाना है। यहाँ पे कल्याण दरवाज़ा आपको दिखाई देता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो नक्शा पढ़ने के बाद आपको सामने जो दिखाई दे रहा है यह है पुणे दरवाज़ा दूसरा। पहला भेदने के बाद यह दूसरा जो दरवाज़ा है दुश्मन को रोके रखता है और पीछे से उनके ऊपर इस तरफ से अटैक होता था,
क्योंकि वहाँ पर भी सैन्य को रुकने के लिए जगह है। मतलब ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ये जो दीवार, जो फोर्टिफिकेशन वॉल है, आप देख सकते हो किस प्रकार से ऊपर तक बनाई गई है। अगर दुश्मन एंटर भी करता है तो यहाँ पे पूरा ट्रैप होता है। आप अगर ये दरवाजे पे आते हो तो ठीक इसके पीछे जो है पुना दरवाज़ा दूसरा ही दिखाई देता है। समझ गए आप, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप इसके निर्माण में बनाया गया है। अगर दुश्मन आता है तो यहाँ पे फंस जाता है, ऊपर की ओर से सामने से यहाँ पर अटैक किया जा सकता था। इस दिशा में जाते वक्त आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंच है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी तोहफे यहाँ पे रखी जाती थी और निगरानी के लिए सामने आप देख सकते हो अनेक प्रकार के बुरुज और दीवारें यहाँ पे मुख्य स्थानों पर बनाई गई है। ट्रेकर्स को ये जो पॉइंट है ये बहुत ही आकर्षित करता है ट्रेकिंग के लिए। सामने जो है आपको दिखाई देता है सह्याद्री के बड़े बड़े पहाड़। और यहाँ से निकलने के बाद हम चलते हैं पुना दरवाज़ा दूसरी। यह है पुना दरवाज़ा दो नंबर। पहला दरवाज़ा भेदने के बाद दुश्मन को इसे भेदना पड़ता है, फिर भी यह भी एक मुश्किल दरवाज़ा है। वाकई यह बहुत ही अद्भुत है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे तीसरा दरवाज़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा इसे माना जाता है। इसके रीजन से हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस दरवाजे के ऊपर जो कलाएँ, जो नक्शीकला आपको देख रही है, ये प्रमाणित करती है कि ये 2000 साल पहले बनाया गया किला है। आप देख सकते हो अभी भी ये उसी प्रकार से यहाँ पे है। दोनों तरफ से दो सिंह, हाँ जी, और इसकी बनावट भी बहुत ही मजबूत तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे दरवाज़ा लगाने के लिए जगह है, आप देख सकते हो। तो चलिए ये दरवाजे की खासियत हम देख सकते हैं। इस दरवाजे का निर्माण बहुत समझदारी से किया गया है। यहाँ पे सैन्य को रुकने के लिए जगह, यहाँ की जो छत है गिर चुकी है, लेकिन अभी भी दरवाज़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। इसीलिए अगर दुश्मन आता है तो यहाँ पे रोकने के लिए बहुत बड़ी फौज यहाँ पे रखी गई थी। इसके फोर्टिफिकेशंस वॉल्स अभी भी मजबूत है। आर्कियोलॉजिकल ऑफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। आप आगे देख सकते हो यहाँ पे जो सह्याद्री की रेंज आपको दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी तरह प्रकार से इसे बनाया गया है। फोर्टिफिकेशन भी बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे हत्थी खाना, मतलब बारूद खाना। यहाँ पे बारूद रखा जाता था, गोला बारूद। इसे चार दरवाजे हैं। आप सोचेंगे चार दरवाजे क्यों? इसका मकसद था कि चारों दिशा से जो एम्युनिशन था कैनन के पास जाना चाहिए था। यह है घोड़े का पागा, इसे घोड़े का पागा कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके भीतर चलते हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम जगह है जाने के लिए। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सामने आपको एक गुफा दिखाई देती है। इसे घोड़े की पागा कहते हैं, लेकिन हो सकता है ये घोड़े की पागा ना हो, क्योंकि अंदर जाने के बाद, भीतर जाने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि इसकी जो हाइट है बहुत कम है और घोड़े बांधने के लिए इतनी जगह काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि ये निर्माण अधूरा रहा है, इस गुफा का निर्माण अधूरा रहा है। यहाँ पे बाहर निकलने के बाद आपको कई सारे होटल यहाँ पे दिख सकते हैं और कई सारी पानी की टंकियाँ भी यहाँ पे उपलब्ध है। सिंहगढ़ पे पानी की कोई कमी नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इसका निर्माण है। अगर हम यहाँ का जो नेचर है देखेंगे तो यहाँ पे आदमी खो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी हम आ पहुँचे हैं विश्राम गृह। ये विश्राम गृह, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस किले पे
अगर हम कई किले पे जाते हैं तो हम ये देख नहीं पाते कि किलेदार कहाँ रहता था, लेकिन सिंहगढ़ पे आप यहाँ से आराम से पहचान सकते हो, यही जो जगह है वहाँ पे किलेदार रहा करता था। इसकी फोर्टिफिकेशंस वॉल और भीतर जो वॉल्स है आप देख सकते हो, यही एक प्रमाण है कि ये जगह किलेदार की थी। जो भी किलेदार था इस जगह पे रहा करता था। अब यहाँ पे विश्राम गृह बनाया गया है। किले पे आपको कई सारे कैनन्स दिखाई देते हैं। अभी हम जिस स्थल पर जा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। आपने सिंहगढ़ की लड़ाई सुनी होगी, और सिंहगढ़ की लड़ाई बोले तो वीर तानाजी मालुसरे। तो चलिए हम वीर तानाजी मालुसरे के बारे में कुछ जान लेते हैं। तानाजी एक हिंदू कोली परिवार से आते थे। तानाजी के पिता का नाम कालूजी मालुसरे था। उनका परिवार गोदोली गांव का था, जो पाँचगनी के पास स्थित है। उन्होंने अपना बचपन वही बिताया था। जब शिवाजी महाराज ने उन्हें पोलादपुर महाबलेश्वर के लुटेरों पर अंकुश लगाने के लिए नियुक्त किया तो वो उमरत गांव चले गए। तानाजी का एक बेटा था रायबा मालुसरे और एक भाई सूर्याजी मालुसरे। उनके चाचा शेलार मामा छत्रपति शिवाजी महाराज की सेवा में थे। मार्च 1670 में किले को फिर से हासिल करने के लिए सिंहगढ़ पर सबसे प्रसिद्ध लड़ाई मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति तानाजी मालुसरे द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी। वीर तानाजी मालुसरे ने जब सिंहगढ़ जीतने का विड़ा उठाया था तब कहा था, पहले लगिन कोंडान्याच आणि मग रायवाच। मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे सरदार ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे जो बोलते हैं कि पहले लगिन कोंडान्याच आणि मग रायवाच। इसका मतलब यह है कि पहला सिंहगढ़ जीतूंगा और उसके बाद मैं अपने पुत्र की शादी करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे प्रस्थापित है, यहाँ पे मंदिर है। ये जो पीने का पानी की टंकी है अभी भी बहुत स्वच्छ है। आप यहाँ का पानी किसी भी समय पे पी सकते हो। अति निर्मल और अति स्वादिष्ट ये पानी है। अब अगर आप सिंहगढ़ पे आते हो तो इस पानी को जरूर चखना। सामने आप दिखाई देता है यहाँ पे कल्याण दरवाज़ा। चलिए तो हम कल्याण दरवाजे की तरफ जाते हैं। इसकी तटबंदी बहुत ही अच्छी प्रकार से बनाई गई है। यहाँ पे दो दरवाजे हैं। कल्याण दरवाज़ा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी ऊंचाई, इसका निर्माण, इस दरवाजे को दूर से नहीं पहचाना जा सकता है। जब आप दरवाजे के भीतर चल दोगे तो आप समझ पाओगे, यहाँ से चलने के बाद आपको दरवाज़ा नहीं दिखाई देता है। ऊंचे ऊंचे दो बड़े बुरुज और बीच में ये दरवाज़ा, इसके ऊपर नक्शीकला भी अति सुंदर है। अगर रणनीतिक रूप से देखेंगे, अगर यहाँ पे दुश्मन एंटर होता है तो बुरुज के ऊपर से उनके ऊपर हमला करके मार दिया जाता था। काफ़ी साल यहाँ पे बीत चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो यहाँ पे इस किले का नुकसान तो हुआ है। आप देख सकते हो कि दोनों तरफ सैन्य को रुकने के लिए यहाँ पे जगह है। ये है दूसरा दरवाज़ा। पहला दरवाज़ा भेदने के बाद जब आप दूसरे दरवाजे पे आते हो तो ये दृश्य आपको दिखाई देता है। सामने की ओर आपको पूरा दरवाज़ा यहाँ से दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ कोठियाँ है, अंदर सैन्य को रुकने के लिए, सामान रखने के लिए यहाँ पे जगह आपको दिखाई देती है। जैसे ही आप दूसरा दरवाज़ा पार करके आते हो तो यहाँ पे अति सुंदर यहाँ पे कला दिखाई देती है। अगर आप बरसात के दिनों में आते हो तो ये जो पॉइंट है जहाँ से मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो कृपया यहाँ पे मत आइए। सामने की ओर पुना दरवाज़ा देखिए, अगर दुश्मन यहाँ से एंटर करता है जो दूसरा दरवाज़ा है, फिर भी उसके ऊपर अटैक करके उसको मार भगाया जा सकता था। देखिए ये सुंदर, ये जो ट्रैप बनाया गया है, पहला दरवाज़ा भेदने के बाद कोई दुश्मन अगर भीतर आता है तो दूसरे के दरवाजे के ऊपर से उसे अटैक करके उसको मार दिया जाता था। जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो सूर्या जी यहाँ से आए थे और तानाजी मालुसरे, तानाजी कड़ा से आए थे। बहुत ही मुश्किल समय था वो लड़ाई, जो सिंहगढ़ की लड़ाई मार्च 1670 में लड़ी गई थी, बहुत ही खतरनाक थी।
ऋषि कौंडिन्य के बाद सिंहगढ़ किले को शुरू में कोंढाना के नाम से जाना जाता था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1328 में कोली राजा नागनायक से जब्त कर लिया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के सेनापति के रूप में शाहजी भोसले को पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया। उनके बेटे शिवाजी ने आदिलशाही को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्वराज्य की स्थापना शुरू किया। शिवाजी ने 1647 में किले को नियंत्रण कर लिया। आदिल शाह ने एक मनगढ़ंत अपराध के लिए शाहजी भोसले को कैद कर लिया और शिवाजी महाराज को सूचित किया। 1649 में आदिल शाह ने शाहजी की रिहाई के लिए किले का व्यापार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में बापूजी मुदलक देशपांडे के मदद से यह किला फिर से हासिल कर लिया। तो अभी तक हमने देखा है पूना दरवाजा, उसके बाद में बारूद खाना, और जो लेफ्ट हैंड में जो है कि घोड़े का तबेला जो है वहां भी हम गए थे, वह भी देख लिया है हमने। और हमने सबसे इम्पोर्टेंट जगह इस फोर्ट के ऊपर की जो थी कि तानाजी मालुसरे इनकी जो जहाँ पे समाधि है वो भी हमने देख ली है। अभी हम झुंझार बुरुज के तरफ से आए थे और अब हम जाएंगे जहाँ पे तानाजी मालुसरे जिस खाई से ऊपर आए थे, जो कड़ा है उसे कड़ा कहा जाता है मराठी में, तो उस कड़े के ऊपर हम जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि ये कड़ा कैसा है और कहाँ से ऊपर आए थे। उसके बाद हम वह भी जगह देखेंगे जहाँ पे उदयभान सिंह राठौड़ और तानाजी मालुसरे के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था और उनकी ढाल वहाँ पर टूट गई थी। उनके बाद उसके बाद उन्होंने अपने जो सर के ऊपर जो शेरा रहता है वो हाथ के ऊपर बांध के जो उदयभान के साथ लड़ाई की थी और उस समय पे उनका हाथ कट गया था। और उसके बाद कुछ समय के बाद में तानाजी मालुसरे का वहाँ पे मृत्यु हो चुका था। वहाँ पर भी हम जाएंगे और वो भी हम जगह देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप जो जगह देख रहे हो यही से तानाजी मालुसरे यहाँ से ऊपर आए थे। ये जो वह जगह है जहाँ पे उदयभान सिंह राठौड़ ने एक नागिन तोप लगा के रखी थी जो राजगढ़ की ओर उसका मुंह था। यह युद्ध हुआ उसकी पार्श्वभूमि यह थी कि पुरंदर की संधि के अनुसार किला मुगलों को दिया गया था। शिवाजी महाराज जब दिल्ली से आए तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि सबसे पहले जो किला जीतना है तो वो है यह सिंहगढ़। आपके सामने ये झुंझार बुरुज है, ये सह्याद्री की माला, सामने राजगढ़ और राइट में जो है तोरना किला है। और यह वो जगह है जहाँ से तानाजी मालुसरे ऊपर आए थे। बहुत ही कठिन जगह है, हमने पहले भी देखी है, बहुत ही मुश्किल है इस फोर्ट को भेदना। लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं थी क्योंकि ये कड़ा ही उस प्रकार है कि यहाँ से कोई ऊपर आ नहीं सकता। यही गलतफहमी जो है मुगलों को ले गई। उदयभान सिंह राठौड़ को यही चूक बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी और यहाँ से तानाजी मालुसरे ऊपर आए और यहाँ पे हमला कर दिया। आगे हम देखते हैं कि यह एक किनारा है, यह एक बुरुज है, यहाँ से पूरे मावल के ऊपर नज़र पहुँचती है। खड़कवासला पुणे यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप बरसात के दिनों में आओगे तो देखेंगे कि यहाँ का वातावरण बहुत ही मोहक है, स्वर्ग में आने की भूमिका यहाँ पर लगती है। यह रंगमंच है, जिस दिन लड़ाई हुई थी यही रंगमंच में प्रोग्राम हो रहा था और तानाजी मालुसरे उस कड़ा से यहाँ तक आए और यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ। यहाँ से आगे यह वह जगह है जहाँ पे तानाजी मालुसरे का हाथ टूटा था और जो समाधि स्थल पे हम गए थे वहीं पे उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। तानाजी मालुसरे और उनके साथियों के वजह से ये गढ़ अब स्वराज्य में था। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर शिवाजी महाराज को गई तो महाराज बोले, गढ़ आला पन सिंह गला, मतलब कि किला आया पर शेर चला गया। ईस्वी सन 1700 में यहाँ पे छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु हुई थी जब उन्होंने सातारा में मुगल छावनियों पे छापे मारे थे। उसी दरमियान जब वो सिंहगढ़ पे थे उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। उनकी समाधि भी यहीं पर है, आप आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर आना।
सिंहगढ़ किले ने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल गंगाधर तिलक ने किले का उपयोग यहाँ पे किया गया है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो यहीं पर सिंहगढ़ पे उनकी मुलाकात तिलक बंगला में हुई थी। बंगले के प्रवेश द्वार पे बाल गंगाधर तिलक इनकी मूर्ति भी लगाई गई है। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मुगलों ने इस किले पर पुनः का कब्जा कर लिया, लेकिन सरदार बालकवड़े के नेतृत्व में मराठा ने ये किला वापस जीत लिया। ये जो तोफ आप देख रहे हो यह नीचे गिरी हुई थी। आसपास के गांव वालों ने इसे ढूंढ के मरम्मत करके इस फोर्ट पे लाके पुनः यहाँ पे प्रस्थापित की है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो है कि पूरा फोर्ट देखा है, जो सिंहगढ़ फोर्ट है ये देखा है, और टोटल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने देखी है, ली भी है, और बहुत ही सुंदर किला है ये। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है यहाँ पे। और जो भी इस फोर्ट में आप आओगे तो सेफ्टी का थोड़ा प्रिकॉशन रखिए, और साथ में पानी की बोतल या कुछ खाना आप लेके आ सकते हो। जैसे कि ये फोर्ट के ऊपर कई सारे चीज़ें हैं खाने के लिए पीने के लिए, तो खाने पीने का टेंशन है नहीं यहाँ पे, और सेफ्टी भी काफ़ी है यहाँ पे। और ख़ास करके अगर आप बरसात के मौसम में आते हो तो यहाँ का नज़ारा, मौसम बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। हाँ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।